राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल शिव विधानसभा के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी के गणित को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। देवदर्शन यात्रा के दौरान भाटी ने अपने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की अटकलों पर जोर दिया है। ऐसे में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की नीति अपनाते हुए जयपुर में उन्हें बुलाकर बातचीत की, लेकिन सियासी चर्चा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मामला सुलझने की बजाय और भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि भाटी ने मुलाकात के दौरान कहा था कि जनता से पूछकर ही वह निर्णय लेंगे। इधर सोशल मीडिया पर रविंद्र भाटी के चुनाव लड़ने को लेकर भाटी के फैंस पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर रविंद्र चुनाव लड़ो ट्रेंड हो रहा है। ऐसे में सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद बाड़मेर के लोग भाटी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। ऐसे में अगर भाटी अपनी जनता की बात सुनकर निर्णय लेंगे तो क्या विधानसभा के बाद फिर से बीजेपी के साथ उनकी सियासी टक्कर देखने को मिलेगी? वहीं अगर भाटी अपनी जनता की बात सुनकर चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस यानी कि कैलाश चौधरी और उम्मीदवार राम बेनीवाल का पूरा खेल बिगाड़ कर रख देंगे। हालांकि अब जनता से राय के बाद भाटी का अगला कदम क्या हो सकता है, ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा।